हाय व्हाट इज एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आ चुका हूँ अपने TH11 रश TH11। यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे CWL अटैक्स। मेरे पास दो TH11 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CWL चालू है। हम लोग तीन में से एक बार हार चुके हैं। मेरा मिरर बेस तो फोड़ दिया किसी ने, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मेरे को TH7 पे जाना पड़ेगा और ये बहुत ईजी बेस है, तो इस पर अटैक करते फिर मैं अपने दूसरे अकाउंट पर जाऊँगा, वो भी TH11 रश्ड है, उस पर भी अटैक मारेंगे। पहले इस पर अटैक मारते हैं। तो ये बेस पीछे आने वाली आवाज़ को इग्नोर कीजिए, मैं एडिट करके थोड़ा स्लो कर दूंगा उसको। तो ये बेस तो बहुत इजी है, क्योंकि मेरे पास जो हिसाब से मेरे ट्रूप्स हैं इस बेस को तो आसानी से 3 स्टार कर लूँगा मैं। तो इस बेस को फटाफट 3 स्टार करते हैं, बढ़ेंगे अगली बेस के ऊपर और फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड कर भी नहीं पा रहा था। तो मेरे पैसे 3 स्टार हो ही जाएगा। और गाइस, हमारे चैनल ने 700 व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल व्यूज़ 700 कंप्लीट कर लिए हैं। तो 1000 की तरफ बढ़ते हैं ना यार, 1000 जल्द से जल्द करवाओ और सब्सक्राइबर भी 100 जल्द से जल्द करवाओ। हम लोग के 59 सब्सक्राइबर अभी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मगर बढ़ेंगे, मेरे को मालूम है, पूरा भरोसा है मेरे को आप लोग के ऊपर। तो अभी मैं बाद में मिलता हूँ आपको दूसरे अकाउंट में आने के टाइम, पूरा अटैक ख़त्म कर लेते इसको। तो यहाँ पे ग्रैंड वार्डन को छोड़ने का कोई तो फ़ायदा था नहीं, तो यहाँ पे अटैक भी ख़त्म हो गया, 3 स्टार भी मिल गए। ये वॉर तो हम लोग आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि ये जो क्लैन है, क्लैन में सबसे नीचे है क्लैन। यहाँ पे हम लोग इसमें बहुत हवा चल रही, तो यहाँ पे आपको आवाज़ मेरी अलग लग देंगी। यहाँ पे हम लोग क्लैन में झगड़ा चल रहा है लिटरली। तो मिलता हूँ आप लोग को दूसरे अकाउंट में आने के बाद 3 दिन बाद। तो मैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे अकाउंट में। ये अकाउंट सेम दिखता है मगर ये सेम नहीं है, दूसरा अकाउंट है। इसमें ईगल आर्टिलरी भी है और ये बहुत टाइम से ही है। इसमें इलेक्ट्रो ड्रैगन भी अनलॉक्ड है और आइस गोलम भी अनलॉक्ड है। तो इसमें भी मेरे मिरर बेस पे किसी ने अटैक कर दिया है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, इसलिए क्लैन में झगड़ा चालू है हम लोग के। और अगली बार से जो होएगा वो किक होएगा, क्योंकि TH9 का बेस है, ये भी ईजी है, तो इसको भी आसानी से फोड़ देंगे। तो इसको फोड़ते हैं। और मेरे को कुछ बात करनी है आप लोग से, मेरे को ये बात करनी है कि मेरे चैनल पे जो मैं वीडियोस डालता हूँ उस पर 30 के ऊपर व्यूज़ तो आराम से आ जाते हैं, तो इतने व्यूज़ आते हैं तो लाइक्स क्यों नहीं आते। तो मैंने एनालिटिक्स पे देखा कि उस पर बता रहे हो कि 72% सब्सक्राइब्ड हैं और कुछ बचे जो परसेंटेज है वो अनसब्सक्राइब्ड है, बिना सब्सक्राइब के और चैनल को ऐसी देख रहे हैं। सब्सक्राइब करो, मज़ा आएगा, तो भाई ग्रो होएगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा ना। छोड़िए अच्छी बात ही छोड़ते हैं, बैक देखिए आप लोग मेरा। तो यहाँ पे ये बेस भी हो गया आसानी से 3 स्टार, बहुत इजी बेस मिल जा रही है। ये जो क्लैन था ना पीनास करके, इसका कुछ नाम है पीनास 2020, इसमें सब रश्ड बेस हैं। जैसे कि आपने TH7 देखा, ये देखा, ये लोग ऐसे उतर गए CWL में बिना कुछ देखे। उनको बताओ यार कोई जाके कि CWL में हम लोग जैसे बैठे, हम लोग ने इन लोग को फोड़ दिए पूरा। हम लोग तो 2 बार आसानी से जीत रहते हैं, मगर जो पिछली वॉर थी वो लेवल 10 का क्लैन था, उल्ले के पास सब मैक्स था, TH13 मैक्स था, तो लोग ने हम लोग को हरा दिए। बाकी ये वॉर तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे। अभी भी ये 3 स्टार हो चुका है। अभी मेरे क्लैन में पंगा चल रहा है, अगली बार से कोई मेरे टारगेट पर अटैक करेगा तो की कोई गड़ा रहे। तो आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी बाकी है 20 सेकेंड का वीडियो, उस समय को याद नहीं मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा झगड़ा चालू है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में किस चीज़ से बनाऊँ। और एक और चीज़ पूछने की थी, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है स्ट्रेंज मेंबर्स के ऊपर, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि मैं पोल में वोटिंग सिस्टम रख दूँगा, आप बताइए मेरे को। बाय बाय।